नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि राजस्थान में जो मरुस्थल में जो भी वहाँ का पानी के संरक्षण करने का तरीका क्या है। तो यहाँ एक छोटी सी बावड़ी दिखी मेरे को, तो मैं आपको नज़दीक जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पानी में संरक्षण करने का क्या प्रोसीजर और कैसे पानी इकट्ठा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो बावड़ी जी। तो दोस्तों वो सामने वो बावड़ी है, उसके पास चल के दिखाते हैं आपको कि यहाँ का क्या प्रोसीजर है और कैसे पानी इकट्ठा होता है। ये देखिए, ये सारा रेत की मरुस्थल है, सारा रेत ही रेत है। यहाँ आपको रेत ही रेत चारों तरफ दिखाई देगा। यहाँ बस वो थोड़ी सी हरियाली उधर है जहाँ वो फुहारे से पानी लगाते हैं ना, तो उनका थोड़ा जहाँ जहाँ वो सिस्टम होता है ना, वहाँ तो आपको थोड़ी बहुत सरसों वगैरह गेहूँ वगैरह होगी दिख जाएगी, पर यहाँ आपको कुछ नहीं। ये देखिए, ये घास है, ये भी सूखा पड़ा है बिल्कुल, और ये कुछ हरा घास है, ऐसे बरोटा वगैरह कुछ ऐसी, ये हरा घास है। देखिए ये घास हरा है और ये फिर सूखा है। तो ये थोड़ा बहुत बकरियां वगैरह, मैं भी सोता था, पता नहीं यहाँ बकरियां वगैरह या जानवर वगैरह क्या खाते हैं। और फिर मेरे को पता लगा कि घास, ये दूर से देखने पर ना, ये जो घास मैं दिखा रहा था ना, ये दूर से देखने पर सूखा लगता है, पास आने पर पता लगता है ये इनके साथ सूखे के साथ साथ थोड़ा हरा चारा भी है। तो ये थोड़ा बहुत ये खा लेते हैं जानवर, और कुछ ये जो पेड़ वगैरह हैं इनके पत्ते मैंने देखा था रास्ते में आते हुए, पत्ते झाड़ लेते हैं वो, जो उनके पशुपालन के जो पालते हैं उनको बकरियों को, वो इसके एक डंडे से पत्ते झाड़ते हैं और बकरियां वगैरह इसको खाती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको ये दिखा रहा था, ये जो पानी का स्रोत है, यहाँ से ये चारों तरफ देखो, पहले ये चारों तरफ ऊंचे रेत के टीले है ना, चारों तरफ टीले हैं और बीच में ये पानी है। ये चारों तरफ का जो भी ये बीच में ना, ये जो पानी का ये थोड़ा खोद के नीचा किया हुआ है, ताकि चारों तरफ का जितना भी पानी हो वो सारा का सारा पानी इसमें आ जाए, और यहाँ से फिर सारा साल पशु पानी पीते हैं और यहीं चरते रहते हैं। सामने मैंने देखा था थोड़ी दूर बकरियां चर रही थी, वो भी जब प्यास लगती है पानी पीने यहाँ आ जाती हैं। तो ये, और एक बात और, इस मिट्टी का भी फर्क है, क्योंकि पानी लगने से ये नीचे से अच्छी मिट्टी आई हुई है, ये इतना रेत नहीं है, ये करड़ी मिट्टी है। यहाँ देखिए ये मिट्टी करड़ी है, भी कठोर मिट्टी है, इसमें पानी नीचे नहीं जाता। अगर ये रेतला पानी, रेतली मिट्टी होती तो इसका सारा पानी ये नीचे चला जाता, ये इसी चक्कर में पानी इसमें रुको हुआ है। और यही मैं सोच रहा था, वहां पता नहीं पानी नीचे जो लिफाफा वगैरह बिछाते हैं ना, यहाँ मैंने सोचा वो बिछाया होगा, पर लिफाफा वगैरह नहीं है। यहाँ पर ये मिट्टी का फर्क है कि मिट्टी यहाँ करड़ी होने के कारण इसमें पानी खड़ा है। तो ये देखिए, ये चारों तरफ, तो आगे मैं दिखाता हूँ, ये तो पानी का हो गया सिस्टम, और ये कोई कोई ये पेड़ खड़े हैं ना, ये पेड़ खड़े हैं जो, ये इसको क्या पता खेजड़ी खुजड़ी क्या कहते हैं, तो ये पेड़ है और इनके पत्ते वगैरह बकरियां खाती रहती हैं और साथ में यहाँ पानी पीती रहती हैं। और वो सामने वो कुछ पानी का जुगाड़ बना रखा है, पानी का कुआं वगैरह है, वहाँ पानी होता है शायद वो, अगर अब मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, दूर तो पड़ेगा थोड़ा, वो सामने आगे है। तो ये पानी का स्रोत देख लो, आगे जाकर मैं आपको वो दिखाता हूँ थोड़ा। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, पहले मैं आपको बाइक दिखाता हूँ कहाँ खड़ी है। वो खड़ी है बाइक अपनी, वो सामने वो उधर बाइक खड़ी है, और वहां से मेरे को इधर जाना है ना, ये थोड़ी दूर पड़ जाएगा, तो थोड़ी जल्दी जल्दी भाग के चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो भी चीज दिखानी है दिखाकर फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को जहाँ पहुँचना है ना, जहाँ रास्ते करनी है, वो जगह अभी भी यहाँ से शायद अभी 25 किलोमीटर के करीब होगी, तो वहाँ जाके रहने की जगह भी देखनी है। तो मैंने सोचा ये रास्ते में मेरे को अच्छी जगह मिल गई दिखाने के लिए, वो पानी का जो खुला स्रोत भी दिखा दिया आपको, भी खुले पानी कहाँ। और अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये कुछ पुरानी जगह है, ये पानी की शायद वो ही है, पानी की टंकी वगैरह। तो मैं आपको मेन वो दिखाता हूँ जो सामने है, वो वहाँ कबूतर वगैरह बैठे हैं। और ये देखिए, सारा चारों तरफ डेजर्ट एरिया है, यहाँ आपको
कोई भी आसपास कोई भी बंदा दिखाई नहीं देगा। बाइक काफी दूर है, अकेली कहीं कोई सामान ना उठा कर ले जाए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए दौड़ा दौड़ा रहा था कि मैं आपको ये पानी का काफी पुराना जगह है ये आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ क्या सिस्टम है। अगर समझ आया तो बताऊंगा, नहीं तो आपको दिखा तो दूंगा ही। तो ये कोई कुआं है पुराने टाइम का, ये है जी, ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको। ओहो, ये देखिए, ये कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ का, और वो जो पानी का स्रोत दिखा था आपको, ये है जी, सच में सही बात है, ये है जी पानी का कुआं। ये देखिए, उधर से दिखाता हूँ मैं आपको, सही दिखेगा। ये पानी का कुआं है काफी पुराना, उत्तरी, ये तो इसकी गहराई तो काफी ज्यादा दिख नहीं रहा, शायद अब इसमें पानी नहीं होता। तो पुराने जमाने में ना यहाँ से ये पानी निकालते थे पशुओं के द्वारा, इसके अंदर कुछ ले जाकर। तो ये जो है ना, ये देखिए आप, ये यहाँ से पानी कुएं में से इधर आता था और इधर से आगे जाकर वहां जाता था। वहां जाने के बाद ये देखिए, ये यहाँ जाने के बाद पानी फिर शायद यहाँ से इसमें इकट्ठा कर लेते थे, बाद में अपना जहाँ भी जरूरत होती थी तो अपना रखते रहते थे। ये मेरे को समझ नहीं है कि ये चीज क्या है, ये शायद बाद में बनाए हुए हैं, ये पहले कुआं हुआ करता था पुराने जमाने का, काफी गहरा हुआ, और उसके बाद में शायद ये बनाया हुआ है। ये भी पानी को इकट्ठा करने का कोई स्रोत है, एक ये है और एक ये है। ये मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ सारा, एक ये है यहाँ, इसमें भी पानी का ही स्रोत है, और इससे इसके बाद यहाँ से यहाँ इसमें पानी शायद इसमें डालकर ना पशुओं के लिए रखते थे ताकि पशु पानी पीते रहे। अब तो ये सारा सिस्टम बंद है, पर है काफी पुराना, काफी पुराना है। तो अब मैं इसको देखता हूँ ये चीज क्या है, ये तो आपने समझ ली होगी, ये कि ये पुरानी ये खुरली टाइप है जिसमें पानी रखा जाता था। तो और ये शायद बाद में बोर के सिस्टम है, सिस्टम इसमें यहाँ बिजली से चलता होगा, ये इसमें पानी निकालने का तरीका हो यहाँ से भी अच्छा सिस्टम, तो इसका तो खास पता नहीं है। बाकी ये चीज पता है, ये काफी पुराने टाइम के हैं, ये कुएं काफी पुराने हैं, तो पहले इन्हीं कुओं से पानी निकाला जाता था, फिर आगे पीने के लिए जो भी करते थे। पर इसकी गहराई तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, बस पक्षी चहचहारे हैं, इसमें आवाज आ रही है, बाकी सुना है कि काफी ज्यादा, यानी कि अब तो सूखा पड़ा बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको दिखाया मैंने कुआ और पानी का जो भी स्रोत, दो दिखा दिए, एक तो वो बावड़ी वाला दिखा दिया, वो सामने वाला, और एक ये कुएं वाला दिखा दिया, और दूसरा साथ में बिजली वाला भी दिखा दिया। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे को बाइक के पास जाना, बाइक काफी दूर है, तो ठीक है अभी भाग के जाता हूँ, कहीं कोई सामान उठाकर ना ले जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।